तो अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस अचीवमेंट के लिए मैं बधाई देता हूँ जी धन्यवाद जी। जी। ये अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई आप अभी कर रहे हैं अभी? जी जब इसरो का अपना खुद का एक कॉलेज है, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST के नाम से, तो वहाँ मैं स्पेस साइंस में बीटेक कर रहा हूँ जी, कहाँ से? अच्छा, ट्रिवेंड्रम केरला में जी। ये नीदरलैंड की एक कंपनी है जी जिन्होंने मिशन मार्स 1 2024 के लिए आपको चुना गया है। जी मतलब जो पहले फर्स्ट राउंड था उसको क्लियर कर लिया मैंने, जो मतलब फर्स्ट राउंड में करीब, तब सेकेंड राउंड में 1058 कैंडिडेट्स दुनिया भर से मतलब सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें 62 भारतीय हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। 62 लोग हैं, छत्तीसगढ़ में आप इकलौते हैं जी जी। तो फिलहाल पूरे देश में मतलब 1058 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 2 लाख में। जी विश्व भर में जी जी, तो इसके पीछे आप मतलब सबसे बड़ा रोल, अहम रोल किनका रहा है? मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हमें, मतलब एसेज लिखने थे एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम में, तो मतलब वो ये देख नहीं रहे थे कि मतलब आप कितना साइंस कितना जानते हो, वो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मेन फोकस था कि आप इमोशनली और मतलब मेंटली और मतलब आपने लाइफ में जो जो चैलेंजेस फेस किए थे उससे रिलेटेड था, कि मतलब आप कितने अच्छे इंसान हैं और कितने मजबूत हैं, मतलब कि अब इतने दूर जाएंगे, अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, तो ये सब चीज़ें आप कैसे कोप अप कर पाएंगे। तो मतलब मैंने मतलब ये लिखा था कि इसके पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, कि जब मैंने पहली बार उन्हें खोया था तो मुझे लगा कि मतलब मेरी पूरी इंस्पिरेशन चली गई थी, मतलब उन्होंने मुझे बचपन से मोटिवेट किया था, बट बाद में कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि नहीं, वो मेरे साथ हमेशा हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम अगर किसी को चाहते हैं या किसी के रिस्पेक्ट करते हैं या फिर किसी को अपने पास चाहते हैं तो वो हमारे पास फिज़िकली प्रेजेंट हो। मतलब उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने मुझे जो सिखाया है वो अभी भी मेरे मतलब जहन में है, भले आँख खोल के नहीं, पर जब मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ तो वो मेरे सपनों में आते हैं और मुझे गाइड करते हैं आज भी। तो पापा को गए कितने साल हो गए? पापा मेरे 7 मई 2009 में पास हुए थे नक्सलेट एनकाउंटर में। तो उनके बाद आपको बैक सपोर्ट किसने किया घर में सबसे ज़्यादा? मम्मी ने किया डेफिनेटली, मतलब मम्मी इससे पहले प्योर हाउसवाइफ थी, और मतलब बाहर की दुनिया में मतलब मुस्लिम हम लोग हैं तो बाहर की दुनिया से पूरा कट ऑफ थे हम लोग, मतलब मुस्लिम लेडीज़ ऐसी होती हैं मतलब। तो उसके बाद जो मतलब जो रमन सिंह हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मतलब हमारी मदद की और मम्मी को अच्छा जॉब दिया, और उसके बाद मतलब मम्मी ने मतलब अपना जॉब आज जो कोर्ट हैं वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और अपना जॉब काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो मतलब हमारी मतलब मेरी सक्सेस के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, कि मतलब उन्होंने पापा के जाने के बाद हमें एक सपोर्ट दिया। अच्छा, एक चीज़ और कि आप इतना बड़ा अचीवमेंट पाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जी खुशी बहुत हो रही है, बट मतलब अभी आगे लंबी लड़ाई बाकी है, मतलब ये अचीवमेंट है बट खुशी हो रही है मुझे इसके लिए, बट आगे और मतलब अभी मुश्किलें ख़त्म नहीं है, आगे और टफ होंगे, क्योंकि जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी मतलब अच्छे लोग हैं तो कंपटीशन टफ होगा मतलब आगे और जी। क्या क्या ख्वाहिशें हैं आपकी, क्या करना चाहते हैं और जैसे आगे? जी मैं इसरो में अभी काम करूँगा, मतलब जैसे अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ इसरो में, उसके बाद इसरो में हमारा मतलब रिक्रूटमेंट होगा, तो मैं इसरो में रह के मतलब अभी तो ये मार्स 1 में अप्लाई किया है मैंने, बट मेरा मेन फोकस अभी इसरो में काम करना है, जो अपनी हमारे देश की जो है स्पेस एजेंसी उसके लिए काम करना मेरा मेन अभी एम है बीटेक की पढ़ाई के बाद। थैंक यू।